क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको वन बनाना होगा। तो जिसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बोथ द साइड्स बाय फोर। जब मैं डिवाइड करता हूँ फोर से तो मेरे पास स्टेप आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 15 बाय फोर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस कॉन्स्टेंट पार्ट को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो हमारा स्टेप बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 बाय फोर। अगले स्टेप में जो एक्स का कोएफिशिएंट है फोर उसका आप हाफ कर लो तो हाफ करने पर माइनस टू आएगा। इस माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा, आप यहां पर फोर ऐड कर लो दोनों तरफ तो हमारा स्टेप कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर होता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखो फोर फोर से 16 माइनस 15 कितना होगा 1 होगा, 1 बाय 4 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखो x माइनस टू का स्क्वायर अगर 1 बाय 4 के इक्वल है तो x माइनस टू क्या होगा प्लस माइनस 1 बाय 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे x इज इक्वल टू 2 क्योंकि माइनस 2 राइट हैंड साइड चला गया 2 प्लस माइनस 1 बाय 2। एक बार 2 में 1 बाय 2 एड करेंगे और एक बार 2 में 1 बाय 2 माइनस करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी 5 बाय 2 एंड 3 बाय 2 एंड दैट इज द आंसर।